वेलकम टू एन अदर लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो अर्थ है हमारी, हमने टाइडल एनर्जी पढ़ रहे थे। टाइडल एनर्जी के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 176 टाइम ग्रेटर है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून से। जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो 176 टाइम ग्रेटर है। बिफोर मूविंग टू वर्ड हम ये देखें कि जो टाइड्स हैं वो क्यों जनरेट होती हैं, उससे पहले एक एक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारी तीन चीज़ें होती हैं आपस में, एक अर्थ, मून एंड सन। क्वेश्चन ये है कि इसका ऑर्बिट है अर्थ के गिर्द। अगर इसको मैं सेंटर पे ले आऊं और इसका ऑर्बिट है सन के गिर्द, ठीक है, ये जो अर्थ है ये सन के गिर्द अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगी इन 365 डेज में, और जो मून है वो अर्थ के गिर्द अपनी स्पिन करी, अपनी जो रोटेशन है वो ऑलमोस्ट 28 डेज में कंप्लीट करता है। हम इसको और वन मंथ लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थ सन के गिर्द और मून अर्थ के गिर्द क्यों रोटेट करता है, व्हाई अर्थ रोटेट अराउंड द सन। उसके लिए एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा। फर्ज करें ये हमारी अर्थ की एक सर्फिस है, दिस इज अर्थ, यहां पे दैट इज मून। समझने के लिए आप ये देखें कि ये मून नहीं है, ये बेसिकली ये पार्टिकल है। पार्टिकल को मैं कोई इनिशियल वेलोसिटी वी देके यहां पे फेंकूं, यहां से छोड़ूं, तो ये किधर जाएगा, ये जमीन के ऊपर गिरने की ट्राई करेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो ये समथिंग लाइक कोई इधर आके गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर मैं और वेलोसिटी दूं तो वो इधर गिर जाएगा आके, ठीक है। अगर मैं और वेलोसिटी से इसको छोड़ूं तो ये इधर ऐसे नीचे की तरफ जाने की ट्राई करेगा, ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ जाने की ट्राई करेगा। जब ये इधर आया, मुझे ये एक बात बताएं कि एक पॉइंट था इसकी, हम चार पॉइंट कंसिडर करते हैं, इसकी मोशन कैसे होगी, इस पार्टिकल की मोशन कैसे होगी। ये पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है ऐसे ही, जो हमने इनिशियल वेलोसिटी इसको दी है, जबकि ग्रेविटेशनल पुल इसको इधर खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो हमें पता है कि अगर लेट्स सपोज आई हैव अ ब्लॉक, इसके ऊपर दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, दैट इज मूविंग टुवर्ड रिजल्टेंट। तो सिमिलरली इसके रिजल्टेंट में ये पार्टिकल इधर सेंटर में मूव करता है, तो ये हर जगह पे ये टेंजेंट बनाने की ट्राई करता है और हर जगह पे ये अंदर की तरफ जाता है, तो उसके रिजल्टेंट में ये सर्कल बनाता हुआ, ये सर्कल बनाता हुआ इधर गुजरता जाता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल और दैट इज वेलोसिटी। समय लगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है, जब एक पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है तो ग्रेविटेशनल पुल और उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो बैलेंस हुई होती है आपस में, जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा होता है। लेकिन जब कोई चीज रोटेट करती है तो एट मतलब अगर ग्रेविटेशनल पुल उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है ना, तो एट द सेम टाइम उसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पैदा होगी जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालने की ट्राई करेगी। लेकिन ये दोनों आपस में बैलेंस हुई होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक प्रोपोर्शनल, एक बैलेंस तरीके से जो मून है वो अर्थ के गिर्द रोटेट करता रहेगा। सिमिलरली अर्थ भी ऐसे ही है, वो भी सन के गिर्द ऐसे हर पॉइंट के ऊपर वो उसको अपनी तरफ खींचने की ट्राई करता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो मून है ना ये रोटेट नहीं कर रहा होता,
बेसिकली ये जमीन की तरफ गिरने की ट्राई कर रहा होता है, बेसिकली ये जमीन की तरफ इधर आने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी उसको खींच के इधर ले जाती है, देन वो इधर आने की ट्राई करता है, देन उसकी वेलोसिटी खींच के उसको इधर ले जाती है। तो हर लम्हे वो जमीन के ऊपर गिरने की ट्राई कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो जो आपका मून है वो ऑर्बिट करता रहता है अर्थ, सन के गिर्द, अर्थ के गिर्द, ठीक है। तो सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि मून, जब मून, ये तो ये है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मून, लेकिन मून के ग्रेविटेशनल पुल का जो इंपैक्ट है इस अर्थ के ऊपर, दैट वुड क्रिएट टाइड्स, लेकिन वो कैसे करेगा वो हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। कि भाई ग्रेविटेशनल पुल की अगर बात की जाए वो तो सन का ज्यादा है, ठीक है, तो वो फिर सन को अर्थ अपनी तरफ वो ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करना चाहिए, तो ये मून ही क्यों क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अर्थ, सन और जो मून है, ये तीनों ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे के गिर्द। जब एक दूसरे के गिर्द करेंगे तो इनके पास एक ग्रेविटेशनल पुल भी होगा, उसके साथ साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पैदा होगी जो कि उसको आउटसाइड लेके जाने की ट्राई करेगी। तो अगले लेक्चर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल जो पुल है आया के टाइड्स, उसकी वजह से पैदा होती हैं या किसी और वजह से वो पैदा होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।